वो एक सुनहरी शाम थी जब शहजादी अनाया शहजादी सुनिए और इनकी पकी सहेली शमाइला सब महल के बागीचे में खुशगवार मौसम का मजा ले रही थी शहजादी अनाया और सूनिय दोनों जुड़वा बहनें थीं बचपन से ही इनकी दोस्ती एक अच्छे घराने की लड़की शमायला से थी ये तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती और हमेशा साथ साथ रहती थीं इस शाम वो सब बागीचे में बैठी मुख्तलिफ़ मौज़ुआत पर बातें कर रही थीं कि अचानक एक ख़ूबसूरत परिंदा उनसे कुछ फ़ासले पर आकर गिरा इन तीनों ने जब इसके पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वो ज़ख्मी है उन्होंने परिंदे की मरहमपट्टी की और उसके लिए छोटा सा घोंसला बना दिया ताका वो इसमें आराम से रह सके पिंदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया वो सब बहुत खुश थी। इन्होंने परिंदे के सर पर नरमी से बारी बारी हाथ फेरा तो वो अचानक एक खूबसूरत परी की शक्ल में बदल गया वो तीनों बहुत हैरान हुई मदर परी ने उन्हें कहा कि उन्होंने उसकी देखभाल की जिसके बदले वो उनको तोहफा देना चाहती है फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई तो इसके हाथ में एक लाल पोटली नमूदार हो गई जब इसने इसे खोला तो इसमें से तीन खूबसूरत सी चमकती धमकती हीरे की अंगूठियां निकले जो इसने उन तीनों में तकसीम कर दें और कहा कि जब कभी मदद की जरूरत हो तो अंगूठी को अपनी मुठ्ठी में किस कर बंद कर लें तो वो फौराए वहाँ मदद के लिए हाजिर हो जाएगी वो तीनों ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई मगर फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह तो उसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी तो उन्होंने पी शुक्रिया अदा किया और महल में चली गई दिनयों ही गुजरते गए और तीनों पकी सहेलियां इक्कीस साल की हो गईं तो इनके वालदेन को इनको फिक्र सताने लगी फिक्र क्यों ना होती क्योंकि उनके मुल्क का रिवाज कुछ यूं था कि अगर किसी भी लड़की की उम्र इक्कीस साल की उम्र तक शादी नहीं हुई तो इसे एक साल तक मुल्क के सबसे पुराने जंगल में जहाँ हर तरह का जानवर और हर तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते थे छोड़ दिया जाता वहां अपने घर का कोई सामान भी नहीं ले जाया जा सकता था सब इसी फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक चंद आदमी आए जो जबरदस्ती शहजादी सुनिए और अनाया को इनकी सहेली शमाइला के साथ जंगल तक ले गए वो तीनों तीन अलग अलग समतों में जाएंगी और कोई न कोई रास्ता ढूंढी ताका इस जंगल से बाहर निकल सकी आखिर तीनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए फिर एक घंटा चलने के बाद शहजादी अनाया को शिद्दत से प्यास लगी उसने सोचा कि अब मैं पानी कहाँ ढूंढूंगी अचानक ही इससे याद आया कि वो तो जब चाहे पी को बिला सकती है तो उसने फ़ौराय अपनी अंगूठी आतार कर अपनी मुट्ठी में किसकर पकड़ी तो एक ज़ोरदार झटका हुआ और परी वहां आ गई और उसने शहज़ादी अनाया से पूछा कि आ काम है तो अनाया ने इससे कुछ बताया फिर परी ने मुस्करा कर अनाया की तरफ़ देखा और वहां से ग़ायब हो गई शहज़ादी सोनिया एक पेड़ के पास आकर रुकी ही थी कि अचानक किसी ने इसके सर पर हाथ फेरा और वो बेहोश हो गई ऐसा ही कुछ शमाइला के साथ हुआ फिर अचानक शमाइला और सोनिए की आंख खुली तो इन्होंने देखा कि शहजादी अनाया खड़ी मिसकरा रही थी और वो लोग जंगल की बजाय अपने महल के एक कमरे में थी इन दोनों ने हैरत से अनाया की तरफ देखा तो उसने बताया कि उसने पीर से कहा था कि वो इन दोनों को इसके पास लेकर आए और फिर उन्हें चुपके से महल के किसी कोने के कमरे में छोड़ दे जहां लोगों का गुजरना हो और इन दोनों सोनिया और शमाइला को भी इस बात का इल न हो वरना वो डर जाएंगी क्योंकि सोनिया और शमाइला जादू और परियों से डरती थी फिर परी मजे मजे के खाने लेकर हाजिर हुई इस वक्त सोनिया और शमाइला का्डर खत्म हो चुका था ठेरा नाया ने पी से कहकर मुर के इस रिवाज को खत्म करवा दिया और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे तो बच्चों कैसी लगी कहानी अब हमें लाइक और सब्सक्राइब करो ना शुक्रिया